आज हम लेक्चर 29 में डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अंतर्गत लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में एज पर आईएस कोड 456/2000 के अनुसार डिजाइन ऑफ फ्रेंच आरसीसी बीम सेक्शन को टेकअप करेंगे। तो इसमें फ्रेंच बीम में दो तरह की बीम है, टी बीम और एल बीम है। टी बीम है, एल बीम है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है बी एफ यानी विड्थ ऑफ दी फ्लेंज है, और ये यहाँ से कैपिटल डी एफ है डेप्थ ऑफ दी फ्लेंज है, और ये है वेव इसकी दूरी विड्थ जो है वेव बेस है, विड्थ ऑफ दी वेव है ये, और स्टील रिइंफोर्समेंट के सेंटर से ये वेव के बॉटम तक का ये इफेक्टिव कवर कहलाता है। ये टी बीम और एल बीम कैसे बनती है हम जरा इसको बता दें। जैसे ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, इसमें बीम है क्रॉस में, तो ये बी वन बीम नाम दिया, इसको बी वन नाम दिया, और ये बी टू है किनारे। तो ये देखिए आप, ये इधर भी स्लैब है, इधर भी स्लैब है, तो ये एज ए फ्लेंज जो है ये टी बीम का काम करेगा, टी बीम जैसा। और ये जो है ये बीम के इस साइड स्लैब है एक साइड में, तो ये इस साइड है, ये बीम का वेव है, तो ये जो है एल एज एल बीम काम करेगा, ये एक साइड में है तो एल बीम काम करेगा। अब आपने इसमें ये देखें कि ये जो रिइंफोर्समेंट डाला है, शॉर्ट स्पान के लॉन्गली डालते हैं हम रिइंफोर्समेंट, तो ये रिइंफोर्समेंट है ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ द टी बीम और एल बीम के ट्रांसफर डायरेक्शन में है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बी थ्री बीम और बी फोर बीम जो है इसके पैरेलल में ये रिइंफोर्समेंट डाला हुआ है। तो ये जो है ये बी वन टी बीम सेक्शन है, बी टू टी बीम एल बीम सेक्शन है, और बी थ्री बी फोर फ्लेंज सेक्शन है, लेकिन इसमें कंडीशन दी है कि इसको मोनोलिथिक स्लैब के साथ कास्ट करना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए, यानी इसका बाउंडेशन बहुत अच्छी होना चाहिए एज पर आईएस कोड इसमें कंडीशन दी है। तो एज पर आईएस कोड आपको एज पर आईएस कोड के पेज नंबर 36 में जो है कंडीशंस दी हैं, तो उसके अनुसार जो है इसको कास्ट करना चाहिए। तो ये 3.1 जो है 23.1 क्लॉज है, उसके अनुसार होना चाहिए, इसको कास्ट होना चाहिए, तो ये भी फ्रेंच बीम काम करेंगे। तो इसका बेनिफिट ये है फ्रेंच बीम का या टी बीम एल बीम का, कि ये जो है जब स्लैब जो है बीम जो मिडिल में बेंड होती है, तो बेंड होने से टॉप बीम के टॉप में कंप्रेशन आता है, तो ये स्लैब जो है ये कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेसिव स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करता है, यानी कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है स्लैब वियर करता है। तो इस अगर बीम के टॉप पार्ट में कंप्रेसिव स्ट्रेस बढ़ रही है, तो कंक्रीट जो है ब्रिटल होने से क्रश हो सकता है, लेकिन चूंकि स्लैब जो है इसका मोनोलिथिक कास्ट है, तो ये स्लैब जो है कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करेगा, और इसको हम जैसे अपन अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस बढ़ रही है टॉप कंप्रेशन जोन में, तो हम टू बी डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से मोनोलिथिकली अगर ये स्लैब कास्ट करें और टी बीम और एल बीम को भी कंसिडर करके कैलकुलेशन करें, तो हम ये कंप्रेसिव फोर्स जो है ये स्लैब भी वियर करेगा। और एक कंडीशन आ सकती है कि इसमें हमको डबल रिइंफोर्समेंट भी डिजाइन नहीं करना पड़ेगी, यानी रिइंफोर्समेंट हमको एज ए डबल रिइंफोर्समेंट कंप्रेसिव जोन में नहीं देना पड़ेगा। स्लैब जो मोनोलिथिक कास्ट करेंगे टी बीम या एल बीम, वो या फ्लेंज बीम, वो उसको कंप्रेसिव फोर्स को जो एक्सेप्ट कर रहा है वो उसको वियर करेगा। तो ये हमारा ये पर्पज है इसको टी बीम एल बीम और फ्लेंज बीम डिजाइन करने का। तो ये बी एफ जो है फ्लेंज विड्थ है, और ये जो है कैपिटल डी एफ जो है डेप्थ ऑफ फ्लेंज है, और ये बी डब्ल्यू जो है वेव विड्थ है, और इसमें जो है फार्मूले पर आइस कोड दिया हुआ है, पर आइस कोड में फार्मूले दिए हुए हैं। तो ये टी बी में दिया है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज इक्वल टू बी एफ इक्वल टू एल 0.6 प्लस बी डब्ल्यू इन विड्थ ऑफ वेव प्लस 6 डी एफ जीरो रहता है, तो उनके बीच का डिस्टेंस एल जीरो मानते हैं, एल जीरो डिनोट किया है उसको।
इसी प्रकार से एल बीम में इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज क्या होगी, बी एफ इक्वल टू एल 0.12 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 3 डी एफ। आइसोलेटेड बीम के लिए फार्मूले दिए हैं, आईएस कोड दिए हैं इन्होंने, तो डी टी बीम के लिए बी एफ प्लस एल 0.6 प्लस 4 और प्लस बी डब्ल्यू। और एल बीम आइसोलेटेड बीम के लिए बता रहे हैं, तो एल बीम जो है बी एफ इक्वल टू 0.5 एल 0.B प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। तो ये इसमें बहुत सारी कंडीशन है, कंडीशन इस पर आइस कोड 450/2000 के अनुसार है। अब इसमें ये पैरेलल है, जैसे ये बीम है, ये B3 और B4 बीम है, इसके रिइंफोर्समेंट स्लैब का पैरेलल है, तो इसमें हमको ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट यानी ये यहाँ पे ये ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। ये ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट कितना दूर लेना पड़ेगा, L/4 यानी इफेक्टिव लेंथ जो स्पान है उसका L/4 तक एक्सटेंड करना पड़ेगा वेव से डाउन साइड में, L/4 इधर भी L/4। इस प्रकार से ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि ये रिइंफोर्समेंट तो पैरेलल है स्लैब का और इसमें ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट इस प्रकार देना पड़ेगा। तो ये इसमें दिया हुआ है एज पर आईएस कोड, तो इसमें बहुत सारी कंडीशन दी है, तो आपको ये इसमें बेनिफिट बस यही है कि W रिइंफोर्समेंट बीम की जगह पे आप इस स्लैब जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेस बियर करता है तो सिंगल रिइंफोर्समेंट बीम ही सफिशियंट है। इसमें जो कंडीशन दी है ये कि इंटीग्रल होना चाहिए, यानी इसका फ्लेंज जो है और बेग जो है मोनोलिथिक होना चाहिए, यानी कास्ट जो है एक साथ करना चाहिए और इसमें एक दूसरे से अच्छे से बॉन्डिंग होना चाहिए, ये इसका है। इसमें एक कंडीशन दी है, तो आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट टी बीम और एल बीम जो फ्लेंज आरसीसी बीम है जरूर क्लियर हुआ होगा। तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ओके, थैंक्स।